हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज हम 3096 डेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और यह कहानी नताशा नाम की एक छोटी बच्ची की है जो अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बाद काफ़ी परेशान रहने लगती है और फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। और यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्नो ड्राइविंग कर रही होती है। उसके साथ ही एक आदमी होता है जो काफ़ी बुरी तरह से उसके साथ पेश आ रहा था। दरअसल यह लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा ही होती है। अब यह आदमी कौन है आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अब नताशा वॉशरूम जाती है जहां पर वह एक लड़की से हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वह लड़की उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाती और तब तक वह आदमी नताशा को उस लड़की से बात करते हुए देख लेता है और उसकी बातें भी सुन लेता है। अब यहां से सीन कट हो जाता है और हमें 8 साल पहले वाली नताशा को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ एक बार में होती है और काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। और अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्ला रही होती है क्योंकि आज वह स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। और हम आपको बता दें कि नताशा के मॉम डैड का काफ़ी साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, इसलिए नताशा को अपने डैड के साथ देखकर उसकी मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती थी और काफ़ी चिल्लाती भी थी। अब नताशा चुपचाप अपने बेड से उठती है और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम अभी भी चुप नहीं हुई थी। वह कुछ ना कुछ बोल ही रही होती है। तभी नताशा भी अपनी मॉम की किसी बात का जवाब दे देती है, लेकिन उसकी मॉम गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अब नताशा गुस्से में आकर अकेले ही रोती हुई स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में हम नताशा को काफ़ी उदास देखते हैं क्योंकि उसे ना तो अपनी माँ का प्यार मिल पा रहा था और ना ही अपने डैड का। उसे दोनों लोगों के पास कुछ दिन के लिए अलग अलग रहना पड़ता था जिससे अब वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी। यही सब सोचते हुए वह स्कूल के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक वाइट कलर की वैन आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और नताशा को ज़बरदस्ती अपनी वैन में बिठाकर उसे बेहोश कर देता है। अब नताशा की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई वेंटिलेशन। अब थोड़ी देर बाद वह आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है चंपूलाल। अब चंपूलाल नताशा को एक गद्दा देता है और कुछ खाने का सामान रख देता है जिससे कि वह सो सके, लेकिन नताशा काफ़ी डरी हुई थी इसलिए वह उसे बार बार बोलती है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाने दो। लेकिन पता नहीं चंपू के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वह उसे वहीं बंद करके बाहर चला जाता है। अब बेचारी नताशा को काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए वह उसका दिया हुआ खाना खा लेती है। और जब चंपू वहाँ आता है तो नताशा उसे कहती है कि उसकी मॉम उसे हमेशा गुड नाइट किस दिया करती थी और उसके बिना उसे नींद नहीं आती, इसलिए चंपू भी उसे एक गुड नाइट किस देता है जिससे नताशा सो जाती है। और अब ऐसे ही चंपू की कैद में नताशा को पूरे 4 महीने निकल जाते हैं। अब नताशा भी चंपू से धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है और एक दिन उसे एक लेटर देती है अपनी मॉम को देने के लिए, लेकिन चंपू कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बदले उनसे पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और वह लोग तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल जो बातें चंपू कह रहा था वह सब झूठ थी और उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि नताशा के मन में अपने पेरेंट्स के लिए जो भी प्यार है वह खत्म हो जाए और वह हमेशा के लिए चंपू के साथ रहने लगे। तो यहाँ हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि आखिर चंपू चाहता क्या है। अब इसके बाद हम नताशा की मॉम को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान होती है और उसे बहुत मिस कर रही होती है। उन्होंने शहर के हर एक पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग होने की कंप्लेन करवाई थी और जगह जगह पर पोस्टर भी छपवाए थे। पुलिस भी उसे हर जगह ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। वहीं नताशा भी उस बंद कमरे में खुद को खुश करने के लिए हजारों कोशिशें करती है लेकिन वह अभी भी अपने घर वालों को काफ़ी मिस करती है। अब हमें चंपू को दिखाया जाता है जो एक रात टीवी देख रहा था जिसमें नताशा के मिसिंग होने की न्यूज़ आ रही थी, जिसे देखकर वह अपनी माँ से कहता है कि आजकल के लोग इतने बुरे हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता, वह एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब तुम देख रहे हो ना, अंदर से तो यह पूरा कमीना है लेकिन अपनी माँ के सामने कैसे भोला बन रहा है। अब इसकी माँ को भी कहाँ पता था कि गंगाधरी साला शक्तिमान है। और अब हम आगे देखते हैं कि पुलिस काफ़ी एक्टिव हो चुकी है क्योंकि उन्हें एक सबूत मिल गया था जो कि एक लड़की थी जिसने नताशा को अगवा होते हुए देखा था और उसने उस वाइट वैन को भी देखा था लेकिन उसका नंबर वह नोट नहीं कर पाई थी। अब पुलिस भी उस वाइट वैन को ढूंढते ढूंढते चंपू के घर पहुंच जाती है, लेकिन वह काफ़ी चालाक था इसलिए पुलिस वालों के सवालों का उल्टा सीधा जवाब देकर खुद को बचा लेता है और पुलिस वाले यहां से चले जाते हैं। अब हम नताशा को देखते हैं जो बेसमेंट में अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझने लगती है और वह पुराने दिन याद करने लग जाती है जब वह अपनी मॉम के साथ काफ़ी खुश रहा करती थी। वह उस छोटे कमरे में खुद से बात करती थी और खुद का ही एंजॉयमेंट करने लगती है। अब एक दिन जब चंपू खाना लेकर आता है तो उसके आने से पहले नताशा अपने हाथ में एक चोट मार लेती है
जिससे कि वह उसे हॉस्पिटल ले जाए और वह वहाँ से भाग सके। लेकिन चंपू इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं था। वह उसकी पट्टियाँ करता है और उसे डराते हुए कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो ऊपर एक कुत्ता बंधा हुआ है जो तुम्हें खा जाएगा, जिससे नताशा काफ़ी डर जाती है और हार मानकर वहीं बैठ जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे उसे वहाँ रहते हुए पूरे 4 साल का समय बीत जाता है। अब वह अपने टीनेज में पहुँच गई थी और उसके रूम में हम एक कैमरा देखते हैं जिसके द्वारा चंपू नताशा से बातें करता रहता था। वह उसे कुछ खाने के लिए मांगती है लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं दे रहा था। वह उसे ऐसे ही सोने के लिए कहता है। अब कुछ दिन बाद नताशा को पीरियड्स आते हैं और वह यह बात चंपू से कहती है और कहती है कि उसे शावर लेना है, लेकिन चंपू उसकी बात नहीं मानता। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वह उसकी बात मान जाता है और अब यहाँ नताशा पहली बार इन 4 सालों में उस बेसमेंट से बाहर निकली थी। चंपू उसे अपने वॉशरूम ले जाता है और वह उसके लिए इतना इनसिक्योर होता है कि उसे अपने सामने ही नहाने के लिए कहता है और दोबारा उसे उसी बेसमेंट में ले जाकर छोड़ देता है। अब अगले दिन चंपू की माँ कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही होती है और तभी वह चंपू की टी शर्ट पर एक लड़की का बाल देखती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि तुम एक गे हो। यह सुनकर चंपू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह सोचता है कि उसकी माँ भी उसे चंपू ही समझती है। अब वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और जाकर नताशा के सारे बाल काट देता है। वह काफ़ी रोती है, काफ़ी गिड़गिड़ाती है और उसे मना करती है, लेकिन चंपू ने आज तक कहाँ उसकी सुनी थी जो आज सुनने वाला था। वह बुरी तरीके से उसके बालों को काट देता है। अब थोड़े दिन बाद क्रिसमस आ जाता है और चंपू नताशा के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लाता है और उसे एक नाम भी देता है, बीबी। लेकिन नताशा को देखकर लग रहा था कि वह उस नाम से खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नताशा की मॉम उसे काफ़ी मिस करती है और वह भगवान से दुआ करती है कि जल्द से जल्द नताशा उन्हें मिल जाए। और अब हम देखते हैं कि चंपू नताशा से घर के सारे काम करवाता है और काफ़ी भारी भारी चीज़ें भी उठवाता है। और अब उसकी मॉम भी घर पर नहीं होती, इसलिए वह कहता है कि आज तुम मेरे साथ सोओगी। अगले दिन चंपू बाहर जा रहा होता है तो नताशा उससे कहती है कि मुझे भी बाहर ले चलो। लेकिन चंपू उससे कहता है कि जब तुम अच्छा बिहेव करने लगोगी तो मैं तुम्हें स्नो डाइविंग के लिए ले जाऊंगा, पर अभी के लिए तुम नीचे जाओ। अब नताशा भी उसकी मान लेती है और नीचे चली जाती है। अब चंपू वहाँ से ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहाँ पर वह कुछ सामान खरीदता है और जब वापस आता है तो नताशा के साथ फिर से इंटीमेट होता है। इसके बाद नताशा उससे कहती है कि एक बार के लिए उसे गार्डन में जाने दो। और अब चंपू उसकी बात मान लेता है और उसे गार्डन पर ले जाता है। अब वहाँ पर नताशा काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है क्योंकि सालों बाद पहली बार वह खुले आसमान के नीचे आई थी। अब अगली सुबह जब चंपू और नताशा खाना खा रहे होते हैं तो नताशा के प्लेट में खाना खत्म हो जाता है और वह इतनी भूखी होती है कि उसका भी खाना खाने लग जाती है। यह देखकर चंपू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगता है और मारते हुए उसके बाल काटने लग जाता है। लेकिन इस बार नताशा थोड़ी हिम्मत दिखाती है और उसे रोक देती है, और उसने जिस तरह से रोकने के लिए कहा था इससे तो चंपू भी कांप जाता है और वह रुक जाता है, जिसे देखकर नताशा के अंदर की हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाती है। अब अगले दिन नताशा और चंपू घर से बाहर जाते हैं, पर जाते समय चंपू उसे काफ़ी डराता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दोस्तों, नताशा अभी भी ना समझ थी, इसलिए वह उसके दिमाग में डर भर कर रखना चाहता था ताकि वह उसे अपने साथ रख सके। अब जब नताशा बाहर के लोगों को काफ़ी खुश देखती है तो वह भी काफ़ी खुश होने लगती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के इतने साल एक बेसमेंट में ही गुजार दिया था। अब यह दोनों एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं जहाँ पर चंपू नताशा से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है। यहाँ पर नताशा को काफ़ी अच्छा मौका दिखता है इस कैद से आज़ाद होने का, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर चंपू का डर बैठ गया था और वह इस मौके को अपने हाथ से गवा बैठती है। अब घर आने के बाद नताशा काफ़ी रोती है क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया था और इसके लिए वह अपने आप को काफ़ी कोसती है। अब यह चंपू उससे घर के सारे भारी भारी काम करवाने लगता है जिन्हें करने में नताशा को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उसे परेशानी में देखकर चंपू को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वह उसका वीडियो बनाने लगता है। फिर एक रात चंपू उसके पास आता है और उसे कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। अब नताशा उसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। उसके इस सवाल को सुनकर चंपू थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर वह उसका जवाब देते हुए कहता है कि उसने उसे पहली बार अपनी मॉम के साथ देखा था और उसे उसकी स्माइल काफ़ी अच्छी लगी थी, जिसके बाद चंपू ने फैसला किया था कि वह उसके करीब आकर रहेगा, उसके साथ रहेगा। तब से वह नताशा का पीछा करने लग गया था और चंपू ने इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करी और इसके लिए उसे 6 महीने लग गए। उसके बाद चंपू ने उस बेसमेंट वाले कमरे को बनाया जिसको बनाने के लिए उसे पूरे 1 साल लग गए थे। और यहाँ हम व्यूवर्स को समझ आता है कि चंपू ने काफ़ी पहले से इस सब चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रखी थी और अब यह सारी बातें बताकर
वह नताशा के साथ फिर से इंटीमेट होता है और अब नताशा को दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ों से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए वह फैसला करती है कि वह खुद की जान ले लेगी और इसलिए वह अपने पूरे कमरे में स्मोक फैला देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंपू आ जाता है और उसे पता चलता है कि इसने अपनी जान लेने की कोशिश करी, जिससे वह नताशा को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम खुद को नहीं मार सकती और अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि नताशा टिशू पेपर पर वह सब चीज़ें लिखा करती थी जो जो चंपू ने उसके साथ की थी, जैसे कि उसने उसे कहाँ कहाँ मारा, कब कब मारा, हर रोज़, हर चीज़, हर पल को जो उसके साथ हो रहा है वह उसे एक टिशू पेपर में लिखती जाती थी। अब धीरे धीरे ठंड का मौसम आ जाता है और शहर में बर्फ़ गिरने लगती है और सारे लोग स्नो ड्राइविंग करने के लिए जा रहे होते हैं, तो चंपू भी नताशा को लेकर जाता है। और यहाँ वही सीन आता है जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ नताशा स्नो डाइविंग करने के बाद वॉशरूम के लिए जाती है और वहाँ वह एक लड़की से मदद मांगती है, लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तभी उसकी बातें बाहर खड़ा चंपू सुन लेता है और उसे घर लाकर बहुत बुरी तरीके से मारता है। और नताशा फिर से इन सब चीज़ों को फिर से एक टिश्यू पेपर पर लिखकर रख लेती है। दोस्तों, नताशा 18 साल की हो चुकी है और उसे यहाँ रहते हुए 2908 दिन हो चुके हैं, यानी कि पूरे 7 साल। और इसके बाद चंपू उसे एक ड्रेस लाकर देता है जिसे पहनकर वह उसके साथ डांस करता है। अब कुछ दिन बाद चंपू नताशा से कहता है कि मेरी वैन साफ कर दो, क्योंकि वह उसे बेच रहा था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें, क्योंकि उसकी सेविंग सब खत्म होती जा रही थी। तो नताशा उसकी वैन को साफ करने लगती है और उसे वहाँ मेन गेट खुला हुआ दिखता है। तभी उसके मन में आता है कि वह वहाँ से भाग गया है, लेकिन तभी अचानक से चंपू पीछे से आ जाता है और फिर से उसे काफ़ी बुरे तरीके से पकड़ने लग जाता है। पर अचानक चंपू के पास एक कॉल आ जाता है जो कि उस वैन को ख़रीदने वाले का था, और इस कॉल पर बात करते हुए चंपू वहाँ से चला जाता है। अब इतना अच्छा मौका देखकर नताशा कहाँ रुकने वाली थी, और उसने ठान लिया था कि वह इस मौके को नहीं गंवाने वाली, और वह गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है और बस भागती ही रहती है। बिना रुके, बिना पीछे देखे हुए वह आगे की तरफ भागती रहती है। और यहाँ जब चंपू अपनी वैन के पास आता है और नताशा को उसमें नहीं पाता तो उसका मुंह चूहे जैसा हो जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह सोच रहा था कि वह नताशा को हमेशा के लिए डरा धमका कर अपने पास रख लेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नताशा भागते भागते एक ओल्ड लेडी के गार्डन में पहुँचती है और वहाँ जाकर वह उनसे हेल्प मांगती है। वहाँ फ़ौरन पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है तो वह उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बताती है कि मेरा नाम नताशा है और 8 साल पहले मुझे किडनैप किया गया था। उसकी बातों को सुनकर ऑफिसर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वह फ़ौरन उसकी मॉम को फ़ोन लगाता है, जिसके बाद उसकी मॉम पुलिस स्टेशन आती है और अपनी बेटी को पूरे 8 साल बाद देखने के बाद उसे अपने गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ चंपू को पुलिस का डर सताने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, जिसकी वजह से वह ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर लेता है। और चंपू की मौत के साथ ही यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो आप सोच सकते हो कि आखिर नताशा को कैसा फील हुआ होगा जब वह उस बॉक्स जैसे कमरे में 7 साल तक बंद थी। और यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।